अयोध्या बोले रामचंद्र की मार मुक्त बंसी जो उसके द्वारा चेष्टा करती है समझना चाहिए वहाँ भगवान को याद है। किंतु साधारण आदमी दुनिया में धोखा देने के वास्ते और अपने आप को विख्यात कर दे कि मैं तो भगवान की शरण हूँ, सर्वस्व भगवान के समर्पण कर दिए और मेरी सब चीज भगवान की है, उसको भगवान अपनाते नहीं और उसकी क्रिया भगवान की क्रिया नहीं होती और उसके हृदय में जो प्रेरणा होती है वो भगवान की नहीं होती। क्यों? तो वो तो संसार को धोखा देने के वास्ते एक जैसा बगला भक्त है। मेरी क्रिया जो है तो दंभ पाखंड की है, वास्तव में सच्ची नहीं है, इस बात को वो तो खुद जान जाता है जो दंभ पाखंड करता है। दूसरे जो लोग है उस दंभी और पाखंडी को बाहर की क्रिया से समझो कि पकड़ भी सकते है, नहीं भी पकड़ सकते, बोल भी चल जाए। आखिर में जाकर के उसका पर्दाफाश हो जाता है। एक दफे तो आपने चली जाता ना, उघरे अंत न होय निवाहु और काल नेमी जिमी रावण राहु, माने अंत के बीच के वहां उसका पर्दाफाश हो जाता है, जैसे काल नेमी रावण और रब का हो गया। काल नेमी रावण और राहु को शुरू से तो कोई नहीं पकड़ सके। काल नेमी एक झूठा तपस्वी का रूप धारण करके बैठ गया और हनुमान जी जैसे भक्त और ज्ञानी वे भी उसको नहीं पहचान सके, तो हम लोग कैसे पहचान सके? जगत जननी सीता रावण भिखारी का भेष धारण करके आया, किंतु सीता जी उनको नहीं पहचान सकी। हम ईश्वरी शक्ति से थी नहीं कह रहे, जो वे लीला कर रहे हैं उस लोक दृष्टि से मनुष्य की दृष्टि से कह रहे। और राहु जो देवताओं में देवता बन करके बैठ गया, देवता लोग उसको पहचान नहीं सके। तो आखिर के बीच के वहां तो जो बात सच्ची वही कायम रहती है। तो दंभी पाखंडी जो आदमी है एक दफे धोखा देकर के लोगों को फंसा लेता है, और भोले भाले आदमी फंस जाते हैं, जब समझदार बड़े बुद्धिमान भी समझ जाते हैं फंस जाते हैं तो भोले भाले की और बात क्या। तो हम तो आप इस विषय के वहां ये अभिमान नहीं करते कि नहीं फंसते, हम तो आप फंस जाते हैं। तो इसलिए आप लोगों को दंभी और पाखंडियों से खूब सावधान रहना चाहिए। अब साधक की बात आई तो साधक पुरुष अपने हृदय से थी अपने आप को भगवान के समर्पण कर रहे हैं, अपने मन को तन को धन को सब कुछ को, और ये उसका उद्देश्य हो जा रही थी। अपने तो सारी क्रिया सो जो हो रही है सब भगवान ही करवा रहे, भगवान के ही उद्देश्य से सारी क्रिया हो रही है, हम कर नहीं रहे हैं, हो रही, और भगवान का हाथ है। हमारे मन में फुरना होती है तो भगवान की मर्जी से हो रही होती है, और हमारी चेष्टा होती है तो भगवान की मर्जी से होती है। तो उनकी क्रिया भी शुद्ध होती है, उनका हृदय भी शुद्ध होता है, सारी बातें एकदम शुद्ध और पवित्र होती है, तो उसका फल है भगवान की प्राप्ति, और शीघ्र भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जैसे लोभी आदमी के हृदय में ये बात आती है कि इस काम के करने से मुझको क्या लाभ होगा, ये स्वार्थ, उसकी सारी क्रिया जो है रुपयों के लिए होती है, वो रुपयों का अनन भक्त है, रुपया एक नंबर है, बाकी सारी दुनिया भगवान सहित दो नंबर में। वो कहता है रुपया मिलना चाहिए, भगवान नाराज हो तो आपके घर पर, हम धर्म कर्म कुछ नहीं जानते, हम तो रुपयों के भक्त है, रुपये ही हमारे तो भगवान है, धर्म कर्म सब कुछ रुपये हैं, एक रुपया रहना चाहिए। तो जैसे
लोभी आदमी रुपयों का अनन भक्त है, इस प्रकार से हम लोगों को भगवान का अनन भक्त बनना चाहिए। तो भगवान का जो अनन भक्त है, उसकी वाणी में, नेत्रों में, क्रिया में, मन में, बुद्धि में कोई भी पाप का नामोनिशान भी नहीं रहता, दुर्गुण और दुराचार उसके पास में नहीं आते, बुरी आदत जिसको हम व्यसन कहते हैं और चित्त के विकार और निद्रा आलस और प्रमाद माने अनुचित निद्रा अनुचित आलस, 24 घंटा में 6 घंटा तो सोने के लिए शास्त्र ने आज्ञा दी है, 18 घंटा के बाद, और 6 घंटा में स्वप्न में भी उनके हृदय में बुरे भाव पैदा नहीं, वो 6 घंटा इस रूप में 6 घंटा भी शामिल है। तो दोष युक्त जो जितने व्यवहार है विकार है ये उनसे अपने आप ही दूर हो जाते हैं। तो समझना चाहिए भगवान ने मुझको अपना लिया, स्वीकार कर लिया, और हमारे हृदय में या हमारी क्रिया में हमारे बाहर भीतर कहीं भी कोई दोष की क्रिया दोष का भाव पैदा हो गया तो समझना चाहिए यहाँ काम का हाथ है, राम का हाथ नहीं। क्योंकि अर्जुन ने पूछा था, अतः किएन परियुक्तो यं पापं चरति पुरुषो अनिच्छन विवासने बलादिव नियोजित। हे वासने, हे कृष्ण, अतः किएन परियुक्तो यं पापं चरति, ये पुरुष किसका प्रेरिया हुआ पाप का आचरण करता है? अनिच्छन, इसकी इच्छा नहीं है पाप करने की, उद्देश्य नहीं है पाप करने का, किंतु जैसे कोई बलात्कार से लगाया हुआ पाप करे जो ये अपने पाप करता है, यानी कोई से कोई जबरन पाप करवाता है कोई, तो अर्जुन का ये पूछना कि मैं जानना चाहता हूँ वह कौन पुरुष है, वो इसका अपराध है या भगवान है, कौन पुरुष है? तो भगवान कहते हैं कि नहीं तो मैं हूं और मैं करार देता हूं। तो कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महासम्मो महापाप मां विद्येन मिह वैरिणम। ये जो काम है, आसक्ति से जिसकी उत्पत्ति, संन्यासं जायते काम है, रजोगुण से जिसकी उत्पत्ति, ऐसा जो काम है जिससे क्रोध की उत्पत्ति हुई है, इस वास्ते काम है वही क्रोध है, काम ऐसे क्रोधेश है, ये काम ये क्रोध कैसा कि रजोगुण समुद्र है, रजोगुण से जिसकी उत्पत्ति है, ऐसा जो काम, तो रजोगुण से उत्पत्ति है कि आसक्ति से राग से, बोले दोनों एक ही है। रजो रागात्मक विद्धि, रजोगुण को तुम राग ही समझो, सुना संग जाते काम है, संग जो आसक्ति से ही काम उत्पन्न होता है, तो चाहे रजोगुण से उत्पन्न कह दो चाहे आसक्ति से उत्पन्न कहो, क्योंकि रज रजोगुण और काम, रजोगुण और आसक्ति एक ही है, काम जो इन्हें से उत्पन्न होता है, इस वास्ते रजोगुण समुद्र है। पर महासन है, महान खाने वाला है, कोई ये चाहे कि मैं अपनी इच्छा की पूर्ति करके काम को दबा लूंगा, ये गलत है। अग्नि के मां कोई ईंधन डाला है तो अग्नि प्रज्वलित होगी, जैसे सुख ईंधन से अग्नि प्रज्वलित होती चली जाती है, ऐसे कोई अपनी कामना के अनुसार विषय भोग को भोगता चला जाता है तो विषय भोग की आग बढ़ती चली जाती है, ऐसा यह काम है। और महान पापी है, दुनिया में जितने पाप होते हैं उनके मूल में काम है, तेरे द्वारा जो बलात्कार से पाप हो रहे हैं उनके जड़ में काम है, क्योंकि ये महान पापी है।
ये इस विषय के मां तुम्हारा काम है सो शत्रु है। क्योंकि जो पाप तुम करते हो तो पाप का फल भी तो कोई भोगना है, तो जो पाप करता है उसको फल भोगना पड़ता है। तो पाप जो करवाता है वो है शत्रु, क्यों पाप का फल दुख है। इसलिए ये काम है सो तुम्हारा शत्रु है, इस काम को तुम मारो। आगे जाकर कहा तो ये समझना चाहिए हमारे किसी के द्वारा जो हृदय में या बाहर में भीतर में कहीं दुराचार की या दुर्गुण की सृष्टि होती है तो उसमें काम ही हेतु है। और जिसमें राम हेतु होता है, राम की प्रेरणा होती है, वहां पाप ने गुंजाश नहीं। जहां काम तहां राम नहीं, राम तहां नहीं काम। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहाँ काम है तहाँ राम नहीं है, राम है तहाँ काम नहीं है। जैसे दिन और रात दोनों एक ठाम में नहीं रह सकते, इस प्रकार से थी ये दोनों एक साथ में नहीं रह सकते। तो जहाँ राम है वहाँ काम नहीं है, इसलिए जहाँ राम है वहाँ जो क्रिया होती है वो राम की प्रेरणा से होती है, और जहाँ काम है वहाँ राम नजदीक ही नहीं आते। जहाँ काम है वहाँ राम नजदीक ही नहीं आती, और जहाँ राम है वहाँ काम नजदीक नहीं आता। ये दोनों एक जगह रहती, सूर्य और अंधकार ये दोनों एक जगह नहीं रहते। इनमें सूर्य की प्रधानता है, जहाँ सूर्य उदय हो जाता है अंधकार वहां से भाग जाता है। जहाँ अंधकार है वहां से सूर्य भासता नहीं, वहां सूर्य पहुंचा नहीं। तो जहां काम है वहां राम पहुंचा नहीं, काम से डर के राम नहीं भासता। जैसे काम राम से डर के भासता है, ऐसे राम काम से डर के नहीं भासता। वो वहां अभी पहुंचा नहीं, पहुंच जाएगा तो काम फिर वहां नहीं रह सके। तो पूछने के लिए क्या उपाय करें कि उसका आह्वान करना चाहिए। बोले आह्वान तो करते हैं पर राम आते नहीं। बोले ऊपर से आह्वान करते हो भीतर से नहीं। ऊपर से भीतर से क्या, बोले ऊपर से तुम राम 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 करते रहो और भीतर से तुम्हारे जो काम बैठा है उसकी क्रिया से तुम्हारे को सुख शांति हो रही है, तो काम क्यों आ भाई। तुम काम को पाल रहे हो ना, तो जहाँ काम है वहां राम है। काम का पालना यह है जो तुम्हारे हृदय में कामना उत्पन्न होती है, उससे कामना की सिद्धि होने पर तुम्हारे को प्रसन्नता होती है, उसमें तुम्हारे को रस आता है, तो तुम काम को चाहते हो राम को चाहते। मुंह से तो कहते हो किंतु हृदय से नहीं चाहते। हृदय से जब राम को चाहने लगोगे तो काम की करतूत तुम्हारे चुभने लगेगी, इसको तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। जैसे रोगी को भारी यंत्रणा होती है, बड़ी भारी तकलीफ होती है, वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये चाहता है कि किसी प्रकार से ये यंत्रणा ये कष्ट दूर हुए। इस प्रकार से जब काम चुभने लगेगा तो फिर राम आएंगे और फिर काम नहीं रह सकेगा। तो जो उत्तम जो पुरुष है, साधक उत्तम पुरुष, उनकी सारी क्रिया के बीच के वह निष्काम भाव रहता है। उनकी वाणी में, उनके नेत्रों में, उनके व्यवहार में, उनके हृदय में, मन में, बुद्धि में, निश्चय में, सब में समझो कि पवित्र भाव रहता है, शुद्ध भाव रहता है, निष्काम भाव रहता है। निष्काम का मतलब क्या, कामना का अभाव, काम का अभाव। और काम है तो फिर वो निष्काम कैसे, वो निष्काम नहीं। तो ये उच्च कोटि के साधक में भी ये भाव रहता है और सिद्ध में तो है ही। इससे थोड़ा और भक्त का दर्जा तो नीचे है, मियां तो नीचे नहीं,
किंतु एक प्रकार से एक समझाने के लिए बताया जाता है कि जिनकी क्रिया सारी क्रिया सारे हृदय के भाव सारी पूर्णा भगवान से ही होती है, ये बात तो नहीं है, किंतु वे खुद जो कुछ करता है भगवान के लिए करता है, उसमें थोड़ा कर्तापने का अभिमान तो है, किंतु है वो भगवान के लिए ही, अपने लिए नहीं, उसका भी शीघ्र उद्धार हो जाता है। तो उसका ये भाव होता है कि वो जो कुछ करता है भगवान के लिए करता है, अपने लिए नहीं। सोता है तो भगवान के लिए, खाता है तो भगवान के लिए, पीता है तो भगवान के लिए, चलता है तो भगवान के लिए, और फिर यज्ञ दान तप सेवा तीर्थ व्रत आदि तो सब भगवान के लिए करता ही। ये मैं काम कर रहा हूं ये भगवान के लिए है ना, इसमें कोई गलती तो नहीं है ना। वो हर वक्त संभालता रहता है, जैसे लोभी आदमी व्यापार करने के समय हर वक्त इस बात को संभाल लेता है कि इसमें कोई अपने नफा का काम है ना, नुकसान का तो नहीं है ना, इसमें कोई अपना नुकसान का तो काम नहीं, इसमें दो पैसा मिलने का काम, अर्थात वो रुपयों का भक्त है तो रुपयों के लिए करता है। जहाँ रुपया नहीं मिलता बस उस काम के नजदीक नहीं जाता, तो मैं तो किसी रोजगार के लिए करता हूँ ना, खोने के लिए थोड़ा करता हूँ। तो वह भाई ये समझता है कि मैं भगवान के लिए करता हूँ, तो रुपयों की जगह वहां भगवान है, तो उसकी सारी क्रिया भगवान के लिए होती है। जैसे लोग ही आदमी की जानबूझ करके एक भी क्रिया घाटे की वो नहीं करता, नहीं होती, नफे ही नफे की होती है, चाहे उसमें घाटा ही पड़ जाए, पर वो अपनी तरफ से अपनी जानकारी में घाटे के लिए चेष्टा नहीं करता। इसी प्रकार से थी भगवान का जो सच्चा भक्त है उसकी सारी चेष्टा नुकसान की नहीं होती, वो तो नफे का काम करता है, भगवान की प्राप्ति के लिए सब कुछ करता है और भगवान के हुक्म से करता है और भगवान के लिए करता है, अपना कोई प्रयोग नहीं। भगवान के लिए क्या, भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के में प्रेम होने के लिए, भगवान की सेवा के लिए, उसकी सारी क्रिया जो सो भगवान के लिए ही होती है, यानी वो भगवान के लिए ही करता है। इससे और आगे बढ़ जाता है, उसकी तो सारी क्रिया भगवान के लिए होती है, अरे इसकी पहली सीढ़ी के मां वह भगवान के लिए करता है, तो करता तभी भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने घोषणा कर दी कि मदर समय विकर्माणी कुरुंग सिद्धि मुआ, मेरे अर्थ कर्म करता हुआ भी सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। और भगवत अर्पण है वो तो भगवान के लिए है ही, और भगवान ही खुद जिसे करवाते हैं वो तो वहां करता ही नहीं, किसी अंश में करता ही नहीं। तो हम लोगों को जबकि कर्ता अपने का अभिमान है, हर एक काम के करने के समय के बीच के मां यही भाव रखना चाहिए कि ये चीज भगवान के लिए हुई या नहीं हुई, मैं सब कुछ भगवान के लिए कर रहा हूं या मेरी क्रिया भगवान के लिए हुई है ना। भगवान के लिए जो क्रिया नहीं होती है वो करनी नहीं, तो हर एक में ये बात घटा करके देख लेनी चाहिए। मैं सोता हूं तो भगवान के लिए सोता हूं ना, निद्रा कर नहीं, हम तो अपनी जान के मां भगवान के लिए सोते, तो निद्रा के लिए सोना और भगवान के लिए सोना फर्क क्या है। बोले फर्क यह है कि जिस दिन मैं नहीं सोऊंगा तो एक तो मेरा भजन जो है सो बढ़िया नहीं होगा, क्योंकि निद्रा आती रहेगी, तंद्रा आती रहेगी, और मैं गीता का पाठ करता रहूंगा, मैं सो जब ध्यान करता रहूंगा और उसमें नींद आती रहेगी, तो वो हमारा साधन बढ़िया नहीं होगा। अपने तो साधन बढ़िया करना है, तो इसलिए भी उसे निद्रा को थोड़ा समय देना चाहिए सोने के लिए। और भगवान भी राजी नहीं होती, भगवान कहते हैं कि तुम जुलम कर रहे ना कि मेरे नाम पर इस प्रकार से मेरे पर ये भार चढ़ा रहा है और शेर सोता भी नहीं है, मैं तुम्हारे इस कष्ट को देखकर खुश नहीं, तुम सोया करो, हमारे लिए
तुम एक प्रकार से जागते हो तो हमारा प्रभु विराज नहीं रहता, बिल्कुल नहीं सुने तो उनकी आज्ञा भी नहीं। भगवान ने गीता की छठी अध्याय के 16 के श्लोक में साफ कह दिया कि जो सोता ही नहीं है हर वक्त जागता उसका योग भी सिद्ध नहीं होता, और जो निरंतर सोता ही है उसका भी योग सिद्ध नहीं होता। हम ये कहेंगे भाई हम तो नहीं खाएंगे, तो भगवान राजी नहीं, बोले कि तुम खाओ, अल्पहार करो, लघुवासी बनो, थोड़ा करो, हल्का करो। क्यों? आज्ञा दे दी कि जो भोजन नहीं करता उसका योग भी सिद्ध नहीं होता, और जो अधिक भोजन करता उसका योग भी सिद्ध नहीं होता। तो युक्त आहार विहार, युक्त आहार विहार करने वाला का योग सिद्ध होता है, ये 17 के श्लोक में कह दिया। छठी जाके इन सब बातों से मालूम होता है कि बिल्कुल नहीं खाना, बिल्कुल नहीं सोना, इसे हमारा प्रभु राजी नहीं, इसलिए हम खाते हैं सोते हैं प्रभु को खुश करने के लिए, मरने के भय से नहीं खाते, और बीमार पड़ जाएंगे इस भय से नहीं सोते, भगवान के लिए सोते हैं, भगवान के लिए खाते हैं। हमारा जो खाना भगवान के लिए, सोना भगवान के लिए, चलना भगवान के लिए, इस प्रकार से अपना उद्देश्य बना लेना चाहिए, तो उसको फिर परमात्मा की प्राप्ति बहुत शीघ्र हो जाती है। वो भगवान के आगे किसी की परवाह नहीं करता, स्त्री नाराज हो, पुत्र नाराज हो, घर के नाराज हो, शरीर बीमार पड़ जा, सर्वस्व नष्ट हो जा, सबके आग लग जा, उसके लिए कोई परवाह नहीं, किंतु प्रभु नाराज नहीं होना चाहिए। और प्रभु नाराज होते हो तो वो काम उसको नहीं करना। किसी बैरी की खुशामद करनी पड़े, माँ बाप की खुशामद करनी पड़े तो बात ही क्या, दूसरे दुश्मन की भी खुशामद करनी पड़े या कोई भी काम करना पड़े भगवान की राज्य के लिए, तो वो छोटे से छोटा काम हो तो करने के लिए त्याग। अपने को तो एक ही सिद्धांत है कि भगवान को खुश करना, और दूसरा कोई सिद्धांत ही नहीं। जैसे कुआ है और ऊपर वाज मारे डूंगे कुएं के ऊपर, कुआ तेरी माँ मरी, तो वाज आओगी मरी, कह जी, तो वाज आओगी जी। इसी प्रकार से वाज जो है माया कुंड है, इसी के समय माया कुंड पर खड़ा होकर के वाज जैसे मारता है, समझो कि वैसी वाज उसको बदले में मिला करती, हमने देखा है। तो इस प्रकार से थी भगवान के अपने आप को समर्पण कर दे, भगवान की खुशी में खुशी, भगवान की राजी में राजी, और कुछ भी दूसरी बात नहीं, एकमात्र भगवान ही अपना सर्वस्व है, तो ये साधन बड़ा अच्छा है। शुरू में बात हुई थी सिद्ध की, और फिर चल पड़ी साधक की। तो सिद्ध पुरुष जो होते हैं, महापुरुष जो होते हैं, उनके तो हृदय में जो फुरना होती है स्वाभाविक ही संसार के कल्याण के लिए ही, अपना कोई प्रयोजन ही नहीं है। नहीं तस्वीर करते नार्थो ना करते ने कश्चन नशा ससर भूतेशु कश्चित अर्जपाश्रिय। गीता अध्याय 3 श्लोक 18। उस महापुरुष को न तो कुछ करने करके प्रयोजन है, और न कुछ न करने करके प्रयोजन है। उनके हृदय में ये भी नहीं है कि ये काम न करूं, और ये भी नहीं है कि ये करना चाहिए, तो उसमें तो कोई करता ही नहीं। तो ये कौन कहे कि मैं करूं या नहीं करूं, और कौन इस प्रकार का मन के मन संकल्प करे कि मेरे लिए ये तो कर्तव्य है, ये अकर्तव्य है। उसके लिए न तो कोई कर्तव्य है न कोई अकर्तव्य है, उसके लिए तो भगवान की प्रेरणा से अपने आप ही जो कुछ होता रहता है। या यूं कहो कि प्रार्थ के अनुसार सुन लो कि भगवान की प्रेरणा से होता रहता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
वारम शांतम धनम अचलम ध्रुवम नित्यम बोधश्रुवम ज्ञानश्रुवम नाम जी आम शांति शांति शांति।